पंजाबी फैमिली शान से रहती है। देखो पीछे से कुछ इस तरीके का व्यू आता है, इस घर का काफ़ी शानदार है। पीछे भी मेन गेट है, यानी कि थोड़ा बहुत खेलने वलने के लिए, टहलने के लिए गार्डन जैसा बनाया है घर के अंदर ही पूरा। देखो सबसे पहले आप बताइए, दारा सिंह जी के साथ आपका क्या रिश्ता है? मैं उनका पोता हूँ। आप उनके पोते हैं? जी जी। कौन कौन है आपकी फैमिली में? हमारे पिताजी हैं प्रद्युम्न सिंह, उनके बड़े बेटे हैं जी प्रद्युम्न सिंह। प्रद्युम्न सिंह, हाँ जी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज क्रॉप्स में। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं आज नए वीडियो के नए अंदाज में। तो फाइनली सब कुछ छोड़कर पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि अभी हमने अरुण गोविल यानी कि जो राम बने थे रामायण में, उनके घर का वीडियो मैंने दिखाया था मुंबई में। आप सभी लोगों ने मिलकर 2 से 3 हफ्तों में ही उस पर 1 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम पहुँचे हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख रखा है, रुस्त में हिंद कहे जाने वाले दारा सिंह जी के घर, यानी कि घर नहीं फार्म हाउस। फार्म हाउस या घर, फार्म हाउस रहता थोड़ा खेतों वेतों के बीच में बना होता है गाँव में, है ना। और घर तो मुंबई में भी है उनका, और एक पंजाब में भी घर है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। लेकिन अभी हम पहुँचे हैं मेरठ से करीब 10 किलोमीटर एक गांव है, वहाँ पे उनका फार्म हाउस बना हुआ है, जो कि हमारे ये पीछे ही यहाँ पर है, है ना। और यहाँ तक लाने में भैया ने हमारी बड़ी मदद करी है। अरे भैया, क्या नाम है भैया आपका? मेरा सनी सहरावत भैया। और भैया का गांव पीछे ही था, इनसे मैंने लिफ्ट मांगी थी और भैया यहाँ तक लेके आए, बोले वीडियो बना लो और फिर वापस ही भैया के साथ में हम निकल जाएँगे। तो अंदर से गाड़ी आ रही है पूरा, है ना। तो अभी हम चलेंगे इसके अंदर और वहाँ पर मुलाकात करेंगे जो भी उनकी फैमिली में मिलेगा, ठीक है। और एक बहुत ही फेमस किरदार भी किया है इन्होंने, 1988-87 में एक सीरियल आया था रामायण, जो कि रामानंद सागर जी ने बनाया था। उसमें अरुण गोविल जी ने राम का किरदार निभाया था, दीपिका जी ने सीता का, और सुनील लहरी ने लक्ष्मण का, जिसमें दारा सिंह ने एक प्रमुख किरदार निभाया था जिसका नाम था हनुमान जी। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी का इन्होंने अपना किरदार जो निभाया है उससे इन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया है। और अभी उनका फार्म हाउस हमारे पीछे ही है। तो फाइनली अभी हम पहुँचे हैं मेरठ, और मेरठ से करीब अभी 10 से 12 किलोमीटर दूर हम बैठे हुए हैं। जैसा कि इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख रखा है, मैं पहुँचा हूँ अभी रुस्त में हिंद कहे जाने वाले दारा सिंह जी के फार्म हाउस पर। जी हाँ दोस्तों, तो वहाँ पे हमें एक सर से मुलाकात हुई है। अब सर से उनका खुद ही इंट्रो पूछेंगे और अपने बारे में वो बताएँगे, और बहुत सारी जानकारी जो इस वीडियो में सर के द्वारा हमें मिलने वाली है। तो सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर नाम अपना? मेरा विजय सिंह। विजय सिंह, हाँ जी हाँ जी। तो सबसे पहले आप बताइए, दारा सिंह जी के साथ आपका क्या रिश्ता है? मैं उनका पोता हूँ। आप उनके पोते हैं? जी जी। कौन कौन है आपकी फैमिली में? हमारे पिताजी हैं प्रद्युम्न सिंह, उनके बड़े बेटे हैं जी प्रद्युम्न सिंह। प्रद्युम्न सिंह, हाँ जी। मेरा बड़ा भाई है अजय रंधावा, मैं विजय रंधावा। तो ये हमारा परिवार यहाँ रहता है। परिवार आपका यहाँ रहता है? अच्छा, एक और हैं बिंदु दारा जी, वो हमारे चाचा हैं। अच्छा, वो तो मुंबई में से? हाँ, एक बिंदु हैं, एक अमरीक हैं, वो रहते हैं चंडीगढ़। अच्छा, कितने मतलब? 3 बेटे हैं दारा जी के। दारा जी के 3 बेटे? दादा जी के 3 बेटे हैं। आपके पिताजी? मेरे पिताजी सबसे बड़े हैं प्रद्युम्न सिंह, उसके बाद बिंदु, उसके बाद अमरीक रंधावा। आपकी फैमिली मतलब यहीं पर रहती है? जी जी जी। एक लोग रहते हैं? हम अपनी फैमिली, हमारी फैमिली यहीं रहती है, यहीं पे रहते हैं। बिंदु जी की फैमिली वहाँ पे? वो बॉम्बे रहते हैं। और एक लोग? वो चंडीगढ़। चंडीगढ़ में रहते हैं, जहाँ पे मतलब पुराना पुस्तैनी घर है शायद। जी जी जी। अच्छा, यहाँ पे ये कैसे मतलब आना हो गया आप लोगों का? हमारे पिताजी 1970 में आ गए थे जी यहाँ पे। यहाँ पे? हाँ जी हाँ जी। यहाँ पे खरीद? मेरे पिताजी पहले बॉम्बे थे, फिल्में करी उन्होंने धर्मेंद्र जी के साथ, आंखें, गंगा तेरा पानी, अमृत, शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ 5-6 फिल्मों में काम किया पिताजी ने। अच्छा, एज ए हीरो थे उसमें। अच्छा। बंदिश पिक्चर थी उनकी, 1960 में बनी थी बंदिश। बंदिश? बंदिश। ब्लैक एंड वाइट रही होगी? ब्लैक एंड वाइट थी। तो मतलब अपने ज़माने के वो भी हीरो रहे हैं? हाँ, अपने ज़माने में उन्होंने 4-5 फिल्में 5-6 फिल्मों में काम किया। काम किया हाँ। फिर उसके बाद वो गाँव से जुड़े हुए थे तो यहाँ आके फार्म ले लिया था उन्होंने। अच्छा, दारा सिंह जी ने यहाँ पे लिया था कि पिताजी ने आपका? नहीं, पिताजी को लेके दिया था दादाजी ने। दादाजी ने लेके दिया था? हाँ, लेके दिया। उसके बाद उनका आना जाना कभी यहाँ पे? आते रहते थे जब वो अपना, जब भी यहाँ आते थे फार्म पे रुक के जाते थे, एक एक हफ्ता रहते थे यहाँ। अच्छा, अभी आपका जाना वहाँ? जाते रहते हैं जी, मुंबई जाना। जब यहाँ से फ्री होते हैं तब आते हैं, घूम फिर आते हैं। या बिंदु जी का कभी परिवार वगैरह? आते रहते हैं बिंदु जी, आते रहते घूमने के लिए। हाँ जी हाँ जी। तो कितना होगा ये चेक किया? ये हमारा जी 22 एकड़ का फार्म है। 22 एकड़ का? हाँ, 125 बीघे के आसपास बैठता है। अच्छा हाँ जी। और जैसा कि रामायण जब आई थी उनकी,
तो हनुमान जी के नाम से मतलब फेमस हो गए थे दारा सिंह जी। तो उस वक्त मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे स्पेशली हुआ हो? तब हम छोटे थे जी उस टाइम। अच्छा, उस टाइम आपने भी देख रखी होगी, अभी भी देखते होंगे आप लोग। स्कूल में पढ़ते थे तब यहाँ पे जैसे फार्म पे लेबर काम करती थी, तो वो एक दिन होता था कि भाई इस दिन रामायण आनी है, तो एक ही टीवी होता था, सारी लेबर भी वहीं बैठती, हम भी वहीं बैठ के वो रामायण देखते थे। तो कहीं ना कहीं उनका जो करेक्टर था वो भी एक अहम करेक्टर था रामायण के अंदर, और क्या बखूबी उन्होंने निभाया है जी जी। और पहलवानी के बारे में अगर कहा जाए तो आज तक उनका कोई हाथ नहीं पकड़ पाया है, और ना ही कोई आज तक उनको हरा पाया है जी जी। चैंपियन है। ऐसे आपको याद होगी कौन सी पहली फिल्म करी थी दारा सिंह जी ने? नहीं इतना मुझे याद नहीं है, पर पुरानी फिल्मों पिताजी ज़्यादा बता सकते हैं कौन सी पहली फिल्म थी उनकी। और मुझे लगता है किंग कॉन्ग थी शायद, किंग कॉन्ग आई थी एक फिल्म उनकी, बहुत पुरानी फिल्म है। मुझे लगता है पहली फिल्म किंग कॉन्ग ही थी उनकी, किंग कॉन्ग जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी पूरा क्लियर नहीं बता सकता। तो एक फिल्म हमने भी देखी है मर्द, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के पिताजी का किरदार निभाया, और वो भी बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म रही। हाँ हिट फिल्म थी, उससे भी काफ़ी पहचान उनको मिली। लेकिन जो रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाया जी जी, उससे तो घर घर बच्चा बच्चा उनको जानते हैं, बच्चा उनको जानता है, सब जानते हैं। तो उनसे जुड़ी चीज़ें कुछ यहाँ पे होंगी अभी दादाजी से? दादाजी से जुड़ा यहाँ वो पुरानी यादगार फोटोएं फाटोएं होती थी पहलवानी की, वो सब हैं पुरानी, पिताजी के पास रखी रहती हैं, यहाँ पे रहती हैं पिताजी के पास रहती हैं याद के तौर। वो अभी पिताजी है नहीं, यहाँ गए हुए हैं, बाहर गए हुए। अच्छा अच्छा, उनसे भी मुलाकात नहीं, लेकिन वो भी अपने जमाने के हीरो रहे हैं, वो भी उन्होंने फिल्में की है। अगर वो रहते तो उनसे भी एक्सपीरियंस शेयर करवाते कि हाँ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा बॉलीवुड में काम करें। अच्छा, आप लोगों का कभी मन नहीं हुआ? नहीं जी नहीं नहीं, पूरा आपकी फैमिली बॉलीवुड में रही है, तो कहीं ना कहीं सब मन हुआ हो? वो तो जब यंग थे उस टाइम सबका ही मन करता है कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में जाएं, हीरो ये करें, हीरो बने। और एक टाइम था जब जोश सा चढ़ा था, फिर जल्दी बुखार उतर गया। गए थे आप? हाँ नहीं, मतलब कोशिश की थी कि करें कुछ, पर नहीं मैंने किया नहीं। फिर उसके बाद सोचा कि कभी सीखा जाए, किया जाए, ट्राई किया जाए। एक बार जब मैं यंग था बहुत उस टाइम, अब तो मैरिज हो गई, बच्चे हैं मेरे, मेरे जितना मेरा बेटा भी हो रहा है, 14-15 साल का हो गया, पर उस टाइम मैं यंग था तब 17-18 साल का, तब काफ़ी उस टाइम मैंने कोशिश की थी पर नहीं हो पाया मेरे से। तो अभी फैमिली में कौन कौन है जो फिल्मी दुनिया में है इस टाइम पे काम कर रहे हैं? फिल्मी दुनिया में हमारे चाचा ही हैं जी, बिंदु जी हैं। बिंदु दारा सिंह हैं, वो अपना करते रहते हैं, करते रहते हैं जी। और आपका अभी क्या व्यवसाय हो गया है? हमारा, मैं फार्मिंग करता हूँ जी, खेती बाड़ी है पूरा देखते हैं। हाँ खेती का काम है, और अपना ये गैस एजेंसी है ये। और बड़े भैया जो थे? बड़े भैया गैस एजेंसी संभालते हैं, मैं खेती संभालता हूँ। आप खेती संभालते हैं जी जी। और यहीं पे आप पूरी फैमिली सेटल रहे हैं? जी जी हाँ, यहीं पूरी। आपके पिताजी भी, पदुमन जी हो गए? वो भी यहीं यहीं रहते हैं हमारे। अच्छा, बिंदु जी का भी अभी लास्ट टाइम कब आए थे यहाँ पे? बिंदु जी आए थे कौन सा महीना, मेरे ख्याल ये अप्रैल में आए थे जी, पिछले अप्रैल में। अभी 2022 में? 2022 में ही, 2022 में पहले। हाँ अप्रैल में थे। अच्छा अच्छा, अप्रैल में आए थे। आते रहते होंगे फैमिली के? हाँ आते रहते हैं। तो चलिए, भैया से तो बहुत जानकारी मिल गई, अगर अंकल जी होते, पद्मन सर होते अगर तो उनसे, हाँ तो डिटेल में हाँ सारी बात, तो वो मतलब अपने पिता का एक्सपीरियंस शेयर करते तो उनको कहीं ज़्यादा आपको पता रहता उनको, उन्हें ज़्यादा पता है, कुश्ती के बारे में भी पता रहता है, फिल्मों के बारे में। रेसलिंग शो भी करवाते रहे अपने पिताजी के, शो करवाते रहे हमारे पिताजी, तो उन्हें ज़्यादा पता है। खुद फिल्में भी करी हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ में रहा करते होंगे, टच रहे उनके साथ, तो वो कहीं ज़्यादा जानकारी लेंगे, भैया ने भी जो जानकारी दी। और अभी चलेंगे इसके अंदर, और अंदर से दिखाते हैं भैया जी का फॉर्म किस तरीके से है, ज़्यादा मतलब काफ़ी खूबसूरत अंदर से तो बना ही रखा है, बाहर से ही दिख रहा है। और बाहर कितना बताया भैया ये पूरा? ये 22 एकड़ है जी। 22 एकड़ का पूरा सारा का सारा धान ही लगा हुआ है? हाँ जी, इसमें धान है, कुछ चारा है, कुछ धान है, ढोरों का चारा। अच्छा अच्छा, तो चलिए क्या भैया वो चीज़ देख सकते हैं अगर उनकी याद कुछ याद में रखा हो यहाँ पे? यहाँ पे वो असल में पिताजी है नहीं, तो पिताजी के रूम में ही है। अच्छा, वो उनका, वो अपना बंद करके जाते हैं रूम जब वो होते तो देख पाते। वो होते तो आपको सारा दिखा पाते। चलिए चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम अंदर से पूरा दिखाते हैं जी जी जी। और चलिए भैया जी को कहीं जाना है तो कम टाइम है, तो अभी आपको सीधा लेकर चलेंगे फॉर्म के अंदर और फार्म पूरा आपको घुमाते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये है सड़क और यही मेन रोड है जहाँ से अभी हम लोग आए हैं। थोड़ा गाँव का एरिया देखो किस तरीके का है यहाँ पे, मतलब आ गए नेचुरली गाँव में आ गए हम लोग, है ना।
ये देखो पूरा धान वान है जो इसी पूरे फार्म के अंदर आते हैं। यहाँ से छोटा सा रास्ता ये आता है बढ़िया सड़क के जस्ट किनारे ही, और अंदर से आवाज़ लग गई है भाई चाय की, तो चलिए चाय पीते हैं उसके बाद पूरा दिखाते हैं फार्म, फिर यहाँ से सीधा चलेंगे मेरठ योरिया सब जो धान का पूरा का फार्म 22 एकड़ का बताया था ना उसने, 122 एकड़ का पूरा का पूरा ये उन्हीं का है, गन्ना है जिसमें चारा है जिसमें ये यहाँ पे हल्दी भी दिख रही है देखो जिसको नहीं पता ये हल्दी के देखो पौधे हैं ये वाले, ये पूरे धान हैं इन्हीं के, कुर्सियाँ पड़ी हैं बढ़िया अशोक के पेड़ खड़े हुए, ये है पूरा ये पूरा जो है फार्म। तो चलिए गाइस अभी चलने का वक्त हो गया है अंदर की तरफ, तो जैसे ही गांव की तरफ आते हैं चिड़ियों के चहकने की तो आवाज़ आनी स्वाभाविक है, और यहाँ पर देखिए भैया स्वागत करो आपके मालिक ने हमें आने की परमिशन दे रखी है, भैया रस्सी उस्सी ना तोड़ दें यार भाई डर लग रहा है, जंजीर उंजीर ना तोड़ दें भैया, देखो दिखाने तो भाई सबसे पहले तो ये फिर उसके बाद ये, और एक वो उधर से पूरा दम लगा रहे हैं भाई, तीन ही लोग हैं चौथे कहाँ गए, चौथे वाला कुत्ता कहाँ गया, चार बता रहे थे वो पीछे रहता है, वो पीछे रहता है चारों तरफ से रखवाली करते हैं। ये सर यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है देख लो कौन सी भाई, स्कॉर्पियो है ये, और ये इसका ऊपर गेस्ट रूम बना हुआ है, नीचे गैराज है या गाड़ी है खड़ी होगी, ये पंखा है धान वान उसाने के लिए ना, हाँ खरपतवार अलग करने के लिए पंखा है, तो गांव में कई बार देखा होगा आप सभी ने, हाथ से चलाओ पीछे, हाथ से चलाने वाला है नहीं ट्रैक्टर से चलता है सब पीछे जोड़ के ना, हाँ पुली में जोड़ के, हाँ ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, और ये फार्म हाउस का साइड का व्यू है, और ये मेन गेट है जो कि गेट इसके अंदर की तरफ खुलते हैं, ये गाड़ी रही और चलेंगे इधर पीछे की तरफ, काफ़ी शानदार बना हुआ देखो नीचे पूरा ईंटें साइकिलें, अब ये देखो भाई साहब बैठे शांत हो गए, अभी तो बहुत तेज भाव करते समझ गए कि जान पहचान के ही हैं। अच्छा ऊपर तो हम तो जा ही नहीं सकते, हम तो सोचे थे ऊपर जाएंगे सीधा, हमने सोचा था ऊपर तक जाएगा सीढ़ी, लेकिन चलो गेस्ट रूम इधर पीछे क्या है भैंस वगैरह होंगे ना, और इधर ये है एक फार्म ट्रक, ट्रैक्टर है 60-55 का फार्म ट्रक है ना, मेरा पावर ट्रक है देखो पूरा भाई, पंजाबी फैमिली शान से रहती है, देखो पीछे से कुछ इस तरीके का व्यू आता है, इस घर का काफ़ी शानदार है, पीछे भी मेन गेट है यानी कि थोड़ा बहुत खेलने वलने के लिए टहलने के लिए गार्डन जैसा बनाया है घर के अंदर ही पूरा, देखो ये एकदम गार्डन वाला फील अंदर ही आता है ना, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, वॉशरूम वगैरह यहाँ, अरे नींबू वगैरह भी लगे हुए हैं ना अमरूद नींबू, देख लो भाई फल भी अंदर ही मिलेंगे, ये है दूसरे साइड से इसका व्यू, इधर से और शानदार लग रहा है पीछे से व्यू आ रहा है अच्छा, क्योंकि इधर भी बाकायदा गेट बना रखा है निकलने बैठने के लिए, अब ये गेट खोलेंगे सीक्रेट वाला जिसमें अपना पूरा लगेगा कि वाकई में हम लोग गांव में हैं और किसान फैमिली से हैं। देखो भाई अपने घर तो एक दो होती हैं भाई, हमारे घर तो दो हैं भैंसे, अभी यहाँ दिखाते हैं कितनी हैं, दो तीन अपने यहाँ पे नॉर्मल फैमिली में दो बहुत हैं, ये इधर है थ्रेसर है ना ये, हाँ भूसा मशीन थ्रेसर है ना, जनरेटर है लाइट के लिए, इधर चारा मशीन, इधर पूरा मतलब वही है जानवरों का और खेती बाड़ी का सिस्टम खड़ा रहता है, रोटावेटर है मट्टी पलटने वाला वो मशीन गेहूं बोने वाली शायद, और इधर ये भैंसों के लिए भूसा वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है, पहले पीछे की तरफ दिखाते हैं ना, इधर टेबल है इसका पानी कहाँ जाता भैया खेतों में इसका, अच्छा पानी ये टेबल लगा हुआ है यहाँ पे, देखो तो हर पंजाबी फैमिली में ये चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को देखने के लिए, यहाँ पे जाएगा नीचे नीचे पानी, यहाँ से अंदर अंदर खेतों की तरफ पानी जाएगा, और बिल्कुल अब जस्ट हम आ गए फार्म के पीछे वाले हिस्से में, ये पीछे का हिस्सा है भैंसों का गोबर वगैरह, और आम का छोटा सा बगीचा भी है यानी कि जब आम की सीज़न होगी तो यहीं पे अपने आम भी अवेलेबल हो जाएंगे, मार्केट जाने की जरूरत नहीं, पीछे भी पेड़ बहुत सारे हैं, इतने पेड़ काफ़ी हैं एक सीज़न में एक फैमिली के आम खाने के लिए, नए हैं भाई हम, एक दो तीन आंटी कितनी भैंस हैं, अच्छा एक दो तीन भैंसें हैं, तीन भैंसें ये भैंसा है क्या बोलते हैं कटड़ा भैंसा कटड़ा, और बाकी वो छोटे छोटे बच्चे तीन बच्चे टोटल इतने हैं,
तो गाइस फाइनली करीब 1 से 1.5 घंटे हमने यहाँ पे करी है मेहनत, भैया के साथ में वीडियो बनाया, जो दारा सिंह जी के पोते थे, सगे पोते, उनके साथ मैंने वीडियो बनाई, उनसे जो भी जानकारी मिल सकी वो हमने दी। दारा सिंह जी के जो बेटे हैं प्रद्युमन सर, जो सबसे बड़े हैं, उन्होंने भी 5-6 फिल्मों में काम किया है 60-70 के दशक में, वो अभी थे नहीं, बाहर गए थे, वो अच्छे से और बता पाते, लेकिन जितनी जानकारी मिली बखूबी मिली हमें, और हमने पूरा आपको घुमाया आगे से पीछे तक, साइड से, दाएं से, बाएं से, सबसे जगह से घुमा दिया उनका फार्म हाउस। अंदर चलने की थोड़ी सी कमी रह गई, वरना उनसे रिलेटेड बहुत सारी और भी अंदर जो मेमोरीज इकट्ठा करी हैं वो भी रखी थी, लेकिन वो उनके पिताजी नहीं थे, ठीक है, तो नहीं दिखा पाए। कोई दिक्कत नहीं है, चारों तरफ से मैंने घुमाया है और यहाँ तक लाने में भैया ने भी बहुत मदद करी है। और अभी तक देखो यहाँ से 1-1.5 घंटे हो गए यहाँ पे वीडियो बनाते हुए, चाय पी, पानी पिया, सब किया, वीडियो शूट किया, तब से भाई हमारे साथ में याद रहेगा भाई, तो इस वीडियो के माध्यम से तो याद रहेगा कि बंदे भाई एक मिले थे यहाँ से, और फिर अगर कभी दोबारा आए तो और अच्छे से यहाँ का वीडियो बनाएंगे। अगर कुछ और भी जानकारी चाहिए या इनके चंडीगढ़ वाले घर का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर देना, और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, बड़ी मेहनत लगती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर अगर आप लोग नए आए हो, चैनल पर पहली बार विजिट कर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में आएगा बेल आइकन उस दबा के आइकन पर क्लिक कर देना, और इंस्टाग्राम पर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर यूज़र नेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए फॉलो कर लीजिए, वहाँ से हमें सवाल और जवाब आप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।